ताजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन एवं किसानों की ओर से हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का करनाल के कमेटी चौक पर पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसानों की मौत पर बयान दिया गया था कि यह किसान तो आंदोलन की वजह से नहीं मरे हैं बल्कि अन्य कारणों से मरे हैं, और इस बयान के बाद जेपी दलाल हंसते हुए नजर आए। कृषि मंत्री की इस हरकत पर किसान संगठनों ने गहरा विरोध जताया है और प्रदेश में जगह जगह पर उनके पुतले जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में एमएसओ और किसान यूनियन द्वारा करनाल के कमेटी चौक पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया और जेपी दलाल का पुतला जलाया गया। किसान नेताओं व पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की मौत पर राजनीति करने वाले ऐसे कृषि मंत्री को तुरंत पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि किसी की मौत पर हंसना बेहद निंदनीय है, जबकि किसान पिछले 3 महीने से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इतनी कड़ाके की सर्दी में किसान मारे जा रहे हैं, परंतु कृषि मंत्री इस बात को मजाक समझते हुए किसानों के खिल्ली उड़ाते हैं, जो बेहद शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तुरंत प्रभाव से कृषि मंत्री को मंत्री पद से हटा देना चाहिए और किसानों की जो मांगे हैं उनको प्रधानमंत्री से अनुरोध कर मनवाने का काम करना चाहिए। यहां हम आपको बता दें कि कृषि मंत्री द्वारा एक बयान में कहा गया था कि जो किसान मारे गए हैं वह तो हर वर्ष मारे जाते हैं, जिस पर किसान संगठनों द्वारा कड़ा विरोध जताया जा रहा है और जगह जगह कृषि मंत्री के पुतले जलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में करनाल की कमेटी चौक पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया और कृषि मंत्री का पुतला जलाया गया। ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? नहीं, मेरी बात सुन लो, आपके आप ये 1-2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये मर गए, मेरी बात, हाँ कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है, आंदोलन में मरने वाले, आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन में, आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार, मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे संवेदनाएं नागरिक का जहां तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदनाएं की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक है। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस करते हैं, मर जाए तो कोई तो एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे, संवेदनाएं खुद प्रकट करता, मरे हुए के प्रति पूरी पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। ये नहीं देखो, कोई भी मरे, किसी पीछे किसी का घर खराब होता है, किसी के छोटे बच्चे हैं, लेकिन आम किसान भोला भाला है, कोई सिंपैथी गई उसमें गया, कोई जाति के चक्कर में गया, कोई और चक्कर में गया, आज तुमने बेरा ही बावड़े मार ले, थोड़े दिन में ठंडे हो जाए, सारे हैं। चलो मैं ये चीज इतना जा रहा हूँ, नहीं जाता घूमता ना, और नहीं कोटा रसी पैदा हो जाएगी, मेरे तो पीछे लगे रहते हैं। होली गया मिल गया मसाला। हाँ जी मेरे साहब, हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल ने किसानों वास्ते बड़ी गलत भाषा इस्तेमाल की है। भाई जेपी दलाल, मैं महसूस करता कि ये दलालों की पार्टी ते दलालों की सरकार का दलाल आ, ये जेपी दलाल ये गल कह रहा है कि जेडे किसान और टुकड़े टुकड़े गैंग के किसान ये मरने ही चाहिए सी, इन्हें मरना ही सी, ये ते कोई इच्छा दे नाल मरिया ते कोई उदा मर गया। भई ये तुसी जश्न मना रहे हो बीजेपी वाले, ये शर्म करो, तुहानू शर्म होनी चाहिए है, तुसी अगे अपना हाल नहीं देख रहे कि पंजाब च तुहानू कोई कुसन नहीं दे रहा, हुण देश तुहानू किसे ने वड़न नहीं देना। माफी मंगे बीजेपी, बीजेपी की आला कमान ये जेपी दलाल के खिलाफ एक्शन ले, इनू पार्टी चो कड्ढे और इहदे खिलाफ कार्रवाई करे। स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे, संवेदनाएं खुद प्रकट करता, मरे हुए के प्रति पूरी पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। ये नहीं देखो, कोई भी मरे, किसी पीछे किसी का घर खराब होता है, किसी के छोटे बच्चे हैं, लेकिन आम किसान भोला भाला है, कोई सिंपैथी गई उसमें गया, कोई जाति के चक्कर में गया, कोई और चक्कर में गया, आज तुमने बेरा ही बावड़े मार ले, थोड़े दिन में ठंडे हो जाए, सारे हैं। चलो मैं ये चीज इतना जा रहा हूँ, नहीं जाता घूमता ना, और नहीं कोटा रसी पैदा हो जाएगी, मेरे तो पीछे लगे रहते हैं। होली गया मिल गया मसाला। सारी रात सोए नहीं है, हमारे बुजुर्गों पे हमारे नौजवान जो शहीद हो गए हैं, ये हमारा मोदी जो शासक है वो तो आज तक बोलिया नहीं, ऊपर तो जड़े पर नमक छिड़क रहे हैं, क्या होगा इस देश का,
ऊपर से चले पाए। ये पापा साहब जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पिस्टल से सुसाइड करके नुका के चला गया भाई, कोनी अन्याय देखे दंदा, उसका मजाक उड़ाया है ना, और जो सुसाइड किया उनका मजाक उड़ाया है ना, तो इतना बद्दा मजाक, इतना बद्दा मजाक हम क्या कह सके, हम तो बस बता रहे हैं। यही है कि जैसे मजाक उड़ाया गया जेपी दलाल ने, किसान जो शहीद हुए हैं उनका मजाक उड़ाया गया है, उनका पुतला फूकने के लिए आए हैं हम यहाँ। जो बयान आया जो आसके मीडिया में उन्होंने मजाक उड़ाया उसके लिए हम इस्तीफे की मांग करते हैं उसके, कृषि मंत्री के। क्या नाम सरकार? क्या नाम विक्रम मान? आप क्या कहना चाहोगे जो आज यहाँ पर आप? आज किस ग्रुप की ओर से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है ये प्रदर्शन? ये भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन करनाड़, उसकी तरफ से, 36 बरादरी की तरफ से, जो जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जो कल एक शर्मनाक बयान दिया किसानों के बारे में, उनकी शहीदी के बारे में, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि वो कितना बड़ा किसान है, इन किसानों को जो पिछले 72 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए, अपने हक लेने के लिए बैठे हुए हैं और वहाँ शहादत देते हैं, उनको ये कहते हैं बुखार में मर के, उनको तो फलानी बीमारी थी, उनको तो ये बीमारी थी, वो बीमारी किसने पैदा की? वो बीमारी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने पैदा की है। आज क्या मांग करते हैं और क्या करेंगे आप? हम हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी से ये मांग करते हैं कि जेपी दलाल हरियाणा कृषि मंत्री को जल्दी से जल्दी पद से बर्खास्त किया जाए, यही हमारी मेन मांग है। पुतला जलाएंगे और हम तो जेपी दलाल से ही बोलते हैं कि वो जल्दी से जल्दी किसान यूनियन के सामने आए और सबके सामने बैठकर माफी मांगे और ये कहे कि मुझसे गलती हुई है, मैं इस गलती की मैं क्षमा याचना करता हूँ, तो शायद किसान देवता उनको माफ भी कर सकता है। क्या नाम आपका? मेरा धर्मविंदर वाला छपनू पिंगली से। आए कमेटी चौक पे हरियाणा सरकार से इस्तीफा मांगते हैं जेपी दलाल। हरियाणा में एक जेपी दलाल जी का पुतला फूकने आए हैं, जैसे उन्होंने इस बार पुतला फूक रहे, अगली बार जिंदा जलाएंगे। हाँ, अगर करनाल कृषि मंत्री है जेपी दलाल जी, जो उन्होंने कल हंस के बात की है किसानों के लिए, उनके मृत्यु पे शहीद हुए हैं जो किसान, उन पे जो हंस के मुस्कुरा के बात की है ना, ये तो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ये उससे बुखार से मर गए हैं, जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत का मजाक उड़ा है, इसलिए आज हम पुतला फूकने आए हैं जेपी दलाल का। किन की ओर से फूका जा रहा है ये? MSO ग्रुप है, वैसे छत्तीस बिरादरी के भाई हैं हम सारे, किसान यूनियन के बैनर के नीचे MSO ग्रुप काम कर रहे हैं। खुद एक किसान का लड़का जेपी दलाल, जो किसान पहले भी इसका उका पानी बंद करा हुआ है दलाल खाप ने, जो किसान आंदोलन चला हुआ है उसके बैनर के नीचे ये बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। और ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.